यहाँ के लोकल लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अपनी चीज़ें लेके हटा सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह आग बढ़ते जा रही है, लोगों में काफ़ी फिक्र है कि ऐसा ना हो कि इनकी दुकानों पे भी आग फैल जाए। लोग हर भरपूर कोशिश कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड लोगों को हटाने का काम कर रही है ताकि आग पे किसी को जानी नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं आग कितनी भयानक होते जा रही है। ये है कुर्ला स्क्रैप मार्केट मंडाला के पास। अभी आप देख सकते हो किस तरह ज़बरदस्त आग लगी है। ये एरिया घाटकोपर मानकुर लिंक से सटा हुआ है जो कि मानकुर में लगता है, और देख सकते हैं आप काफ़ी खतरनाक आग है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इस अभी की तस्वीरें हैं ये, किस तरह आग ने यहाँ की चीज़ों में आग लग जल रही है। आप देख सकते हैं आग की लपटें काफ़ी दूर तक लग रही हैं। फायर ब्रिगेड काफ़ी कोशिश कर रही है आग पे काबू पाने की, लेकिन हवा और ज्वलनशील चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ज़बरदस्त आग लपटों से उठ रही है, और जो यहाँ पे रखे केमिकल के ड्रम्स हैं वो भी एक कह सकते हैं कि एक बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं। काफ़ी दूर तक वो उड़ रहे हैं, किसी को भी यहाँ पे जान का नुकसान हो सकता है। इसके लिए फायर ब्रिगेड अश्योर कर रही है कि ताकि कोई यहाँ ना रहे। ये एक बहुत बड़ी आग है जो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर के भी दायरे से बढ़ते जा रही है। लगभग 100 मीटर का एरिया से अभी तक कवर कर चुकी है इस आग ने। काफ़ी कोशिश की जा रही है, लोग भी अपनी दुकानों के लिए है कुर्ला मानपुर में। इस एरिया का नाम, इस जगह का नाम है कुर्ला स्क्रैप मार्केट। ये आता है मानपुर में घाटकोपर लिंक रोड से ही सटा हुआ एरिया है। ये पूरा इंडस्ट्रियल और स्क्रैप मार्केट है। ये यहाँ पे ऑयल वगैरह के चीज़ें, लकड़ी स्क्रैप की चीज़ों का काम और सेल्स वगैरह का यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे एक भीषण आग लगी है। देख सकते हैं आग के धमाके, आप सुन सकते हैं कितनी जोर से आग के धमाके आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड देखिए किस तरह इस भयानक आग का सामना कर, किस तरह धमाके हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आग काफ़ी आगे तक बढ़ रही है, जिससे जान का खतरा है। फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रही है कि आग यहाँ ना बढ़े, लेकिन आग में कहीं ना कहीं ईंधन का काम कर रही हैं। देख सकते हैं आप वहाँ किस कदर इस एरिया में इसने पूरे कह सकते हैं पूरे बादल को काला कर दिया है। हमारे पीछे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौजूद हैं। काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि आग को कैसे भी करके काबू पाया जाए। बहुत तेज़ी से ये आग बढ़ रही है।
धमाके आवाज सुनाई, आप साफ साफ सुन सकते हैं किस कदर धमाके आवाज सुनाई दे रही है। ये है, ये कुल्ला स्ट्रैप मार्केट में से लगी है आज कानपुर मंडाला में, जो कि मुंबई का ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी स्क्रैप यहाँ आता है। आप देख रहे हैं काफी लकड़ियां यहाँ मौजूद है, वो कहीं ना कहीं हाथ में कितने का काम करेगी। आ गया भाई, आ गया, छोड़ दो वहां से, हट जाओ। ताकि आप देख सकते हैं लोग अब हट चुके हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये आग अब आप काबू में नहीं आएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी तेज से धुआं, काला धुआं है और आग बढ़ती ही जा रही है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अभी कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे कुल्ला स्क्रैप मार्केट में एक बार फिर से आग लगी थी, जो कि मानपुर मंडाला में आता है। आप देख सकते हैं आग बढ़ते ही जा रही है, अभी तक फायर ब्रिगेड काबू नहीं कर सकी है आग को। काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, गैराज है यहाँ पे, लकड़ी के कारखाने हैं यहाँ पे, और केमिकल्स के काम होते हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये दृश्य दिल दहलाने वाला है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। गाड़ी को हटा लेना चाहिए, गाड़ी जिसकी भी है। यहाँ पे एक वाइट कलर का टेम्पो खड़ा है और एक क्लीनअप महानुमई मानिए कि क्लीनअप वैन भी खड़ी है, जिसका कोई आता पता नहीं कि कौन सा उसको कौन ड्राइवर है उसका, वो इसे लावारिस छोड़ दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इस आग को और बढ़ावा दे सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं और काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं फायर ब्रिगेड इस आग को कंट्रोल करने में। अभी तक फिलहाल आग पे काबू नहीं पाया गया है। ये हम नज़ारा आपके लाइव दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भयानक होती जा रही है। आग की आवाज़ आपको कुछ शायद ही सुनाई दे रही हो, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज असर से यहाँ बह रही है। हवा जो है न्यू मुंबई की तरफ बह रही है, जिससे उस साइड के लोगों को भी काफ़ी खतरा है। भंडारा के उस साइड जिस तरफ भी आग लगी है, इसके अपोजिट में एक नाला क्रॉस करने के बाद एक और एरिया लगता है, तो वो भी स्क्रैप में ही काउंट होता है। अगर आग वहाँ गई तो शायद इस आग से फिर रेसिडेंस एरिया को भी प्रभाव पड़ सकती। एक रेसिडेंस एरिया है जिसका नाम मंडाला है, आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग है। देख सकते हैं आग बस
कैसे पत्थर शक्ल ले रही है, ये देखिए किस तरह से आग अपना खौफनाक चेहरा यहाँ पे दिखा रही है, किस तरह लोगों की शॉप कामों को तहस महस कर चुकी है। अब देखना ये कि आग में कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आग बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियाँ वहीं की वहीं छोड़ कर भाग गए हैं। ये है घाटों पर मालपुर लिंक कटा हुआ एरिया, मंडाला कुर्ला स्क्रैप मार्केट इसे कहा जाता है, जहाँ पे ये भीषण आग लगी है। लगभग 2:44 पे करीब आग लगी है और अभी 3:30 के और ऊपर हो चुके हैं, फिर भी अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। आग बढ़ते ही जा रही है, आप जैसा देख सकते हैं किस तरह आग की लपटें उठ रही हैं। काफ़ी कोशिश की जा रही है कि लोगों की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि यहाँ से कोई किसी तरह से गाड़ी हटाया जाए, अपने सामान दूर किया जाए यहाँ से, ताकि वो आग के चपेट में ना आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी भीषण आग उठते जा रही है, लेकिन आग पे काबू पाया हुआ नहीं दिख रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी भीषण आग है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी बहुत